ये खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां बैरागना में 10 वर्ष पहले स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि 10 वर्ष पहले बैरागना से खल्ला कोटेश्वर तक मोटर सड़क मार्ग की वित्तीय स्वीकृति के पश्चात भी आज तक एक दशक हो जाने पर भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसको लेकर बंदवारा, कोटेश्वर, खल्ला, बैरागना, दोगड़ी, कांडेई, बामियाला न्याय पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा जो इस चैनल के माध्यम से हमारी न्याय पंचायत बैरागना की जो है 10 सालों से ये मांग चल रही है कि हमारे जो मोटर मार्ग पुल बैरागना पे जो है स्वीकृत हुआ है उसकी कार्रवाई अभी तक जो है कहीं गतिमान नहीं है। इसके लिए हम पूरी न्याय पंचायत बैरागना के जितने भी हमारे 30-35 गाँव हैं जुड़ने हैं, उसके लिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम जो है चुनाव बहिष्कार के लिए भी जो है अपनी जो है पूरी जनता जो है यहाँ पे जो है चुनाव बहिष्कार करती है। हम पुल का निर्माण करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और पूरी 10 साल से हमारा पुल बंद पड़ा है और अगर निर्माण नहीं होगा तो हम आगे। बैरागना के पास में कोटेश्वर और खल्ला बनद्वारा जाने के लिए पुल बनना है। 10 साल इस पुल को स्वीकृत किए हुए हो गया है, परंतु आज तक पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के कारण वो कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब शासन स्तर से एक क्वेरी उसमें आई हुई है कि फॉरेस्ट लैंड को ट्रांसफर करो। फॉरेस्ट लैंड तो वहाँ कोई पड़ती ही नहीं है, नदी के किनारे है, सारी नाप लेन है, अगल बगल सारी नाप लेन है। तो ये केवल जानबूझ करके काम लटकाने के लिए ये क्वेरियाँ लगाई जा रही है, ये ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं और काम नहीं करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया की बात करती है, बहुत बड़ी बात करती है, पर उन धरातल पर तो कुछ उतर ही नहीं पा रहा है। मेरे भी मानना है कि सरकार जल्दी संज्ञान ले और इस पुल का